नेक्स्ट क्वेश्चन अ केन फिल्ड विद वाटर इज रिवॉल्व इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ़ रेडियस फोर मीटर एंड द वॉटर जस्ट डज नॉट फॉल्स डाउन द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन विल बी नाउ ये अपने को पता है कि अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कल कर रहा है या आपने एक बाल्टी में पानी डाल के उसको वर्टिकल सर्कल करवाया और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे पानी अगर नीचे नहीं गिर रहा है उस केस में हाईएस्ट पॉइंट पे जो आपकी वेलोसिटी है वो होती है मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट जी आर तो इसी को अगर हम ओमेगा की टाइम में लिखें सो ओमेगा कैन बी रिटर्न एज वी बाय आर विच विल गिवेस्ट वैल्यू ऑफ ओमेगा एज अंडर वुड जी बाय आर तो ये आपकी ओमेगा की मिनिमम क्रिटिकल वैल्यू हाईएस्ट पॉइंट पे चाहिए अपने को ना टाइम पीरियड जो है टाइम पीरियड कैन बी रिटर्न एज टू पाए बाय ओमेगा सो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे अपना आंसर आ जाएगा टू पाए डिवाइडिड बाई ओमेगा यानी कि हो जाएगा अंडर वुट आर बाय जी राइट right? और आर की वैल्यू अपने को चार मीटर यहाँ पे दी हुई है ना एक चीज़ जो यहाँ पे अपने को बहुत यूजफुल हो सकती है दिस इज़ वन थिंग दैट आई सजेस्ट इन ऑल माय क्लासेस। इज जी की वैल्यू हम पाई स्क्वायर लिख सकते हैं तो जी की वैल्यू अगर आपने क्लोजली देखा हो तो जी की वैल्यू नाइन और पाई का स्क्वायर अगर करेंगे वो भी क्लोजली नाइन आता है कुछ सवालों में सॉल्व करने के लिए डेटा हमें हेल्प करता है बिकॉज यहाँ पे हम लिखेंगे टू पाए मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू फोर है जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट इसका अंडर रूट लेना हमारे लिए उतना आसान नहीं होएगा जल्दी रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन अगर आपने इसको लिखा टाइम पीरियड इज़ टू पाए अंडर रूट आर की वैल्यू फोर डिवाइडेड बाय पाए स्क्वायर इसका अंडर रूट पाए बनेगा पाए विल गेट कैंसल फोर का अंडर रूट टू आएगा सो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू फोर सेकेंड विल बी योर करेक्ट आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस Right. Uh, that means option number D will be the right choice.